नमस्कार, मैं कार्तिक नायक हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की छापेमारी हुई। मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस पर पहला रिएक्शन देते हुए टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया है। जानते हैं पूरी खबर क्या है। आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने दिल्ली एनसीआर में 21 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का घर भी शामिल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर पहला रिएक्शन देते हुए टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि सिसोदिया के घर पर छापा उस दिन मारा गया है जिस दिन अमेरिकी अखबार में सिसोदिया की तारीफ की गई है। यह छापेमारी दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर की गई है। पिछले महीने दिल्ली के एलजी ने इस मामले में जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई ने दिल्ली एनसीआर में 21 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम का घर और दिल्ली के तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरावा गोपी कृष्ण का परिसर शामिल है। छापेमारी की खबर सिसोदिया ने खुद ट्वीट करके दी। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि सीबीआई का स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इस तरह परेशान किया जाता है। इसलिए हमारे देश अभी तक नंबर एक नहीं बन पाया है। हमारे देश में जो अच्छा काम करता है वह इसी तरह परेशान होता है। वहीं बीजेपी दिल्ली ने ट्वीट पर लिखा, बच्चों के नाम पर सहानुभूति लेना बंद करो मनीष सिसोदिया, आपके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार सबके सामने आ चुका है। कट्टर भ्रष्टाचारी हो तुम और हर भ्रष्टाचारी की जगह सिर्फ जेल है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ऊंट किस करवट पर बैठता है, क्योंकि अभी सभी सियासी दल सिर्फ ट्विटर का खेल खेल रहे हैं। तो ये थी आज की खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर।